मशरूम शाह, क्यूटी पाई शाह, शरीफ शाह। कुछ ऐसा ही चेहरा बनाते हैं ना लोग जो उधार लेने आते हैं। और जब आप अपने पैसे वापस मांगे तो वो कुछ ऐसे परेशान से दिखाई देते हैं। The worst photo you could have found. और कुछ दिन बाद वो बन जाते हैं गोगो क्राइम मास्टर, नहीं उधार मास्टर। और बोलते हैं आज पैसे नहीं, गो गो। हम आपको उधार देंगे, आप गायब हो जाओगे। उधार देने से आपकी नींद ही नहीं, आपके बाल भी उड़ जाते हैं। दे देता हूँ ना यार, कहीं भागता जा रहा हूँ क्या? ये बातें तो प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। पर समझ नहीं आता ये बैंक्स बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे लोन दे देते हैं यार। क्योंकि सभी बैंक्स के पास एक दोस्त है जिसका नाम है सिबल। जब भी आप किसी बैंक का लोन वापस नहीं करते हैं तो ये सिबल उनका दोस्त सारे बैंक्स को जाकर ये बता देता है कि अब इस इंसान पे दोबारा भरोसा नहीं करना है। आज मैं एक फाइनेंसर हूँ, एक दोस्त भी हूँ, मैं उधार लेता भी हूँ और उधार देता भी हूँ, पर शाक्स हमारे पास कोई ऐसा दोस्त क्यों नहीं है? तो शाक्स तारीख पे तारीख सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रेडमेट अब लेकर आया है उधार की नई दुनिया। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुंद्रा। मैं गौरव शर्मा, हम लुधियाना से आए हैं। आज क्रेडमेट पर 275,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के वायदे क्रेडमेट पर लॉक किए हैं। तो आज हमारी आज के शाख्स 50 लाख रुपए 5% के लिए। तो आइए डिफॉल्टर्स को करें चेकमेट विद क्रेडमेट। वाओ, आप क्या ड्रामा स्कूल में थे, कॉलेज में? सर पिछला सीजन 5-6 बार देख लिया तो सीख गए सर। क्या कमाल के एक्टर है यार ये। यार तुम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बातें करने के लिए, है ना? साथ एटलीस्ट आपके पैसों के साथ साथ खून भी तो बढ़ेगा ना सर। हंसने से खून बढ़ता है। बोलते तो अच्छा सॉरी। इनको दिमाग में खून की जरूरत है, काफी शुगर खाते हैं ना इसलिए। रोस्टेड। चलिए गौरव स्क्वायर, वेलकम टू शार्क टैंक का सीजन 2। थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा दिलचस्प पिच थी। थैंक यू। आप दोनों अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप मिले, आपने क्या पढ़ाई की है और क्या काम किया है? मैंने 2014 में अपनी BBA कंप्लीट की। बिजनेस के साथ साथ मुझे शौक था कुछ नया करने का, पर मैं 2012 से ही IT एंड सर्विलेंस गुड्स का काम कर रहा हूँ चाइना से। और हमने यही जाना कि हमें बिना उधार दिए काम नहीं कर सकते। फाइनेंस के बारे में और जानने के लिए मैंने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव IIT दिल्ली से 2022 में ही कंप्लीट की। मैंने 1995 में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्प्लीट की। उसके बाद मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सेल करने स्टार्ट किए, और 2010 से फिर मैंने उसी बिजनेस में चाइना से इंपोर्ट करना शुरू किया। तो आप दोनों का काफी एज डिफरेंस है। यस मैम, मेरी 47 है। 47, 29 होने वाला हूं। और आप दोनों को फाउंडर्स हो? हां जी मैम। और मिले कैसे? मैम हम दोनों एक दूसरे को बाय शक्ल तो जानते ही थे, पर एक दिन एक शादी पे मिले और हमने जाना एक ही इंसान ने हम दोनों के पैसे खाए हुए हैं। तो हमारा आइडिया वहीं से जनरेट हुआ और हमने ये जर्नी साथी में स्टार्ट। कोई ट्रेडर था जिसने आप दोनों के पैसे खाए? वैसे तो 500-600 हैं, पर कुछ अच्छे अच्छे 4-5 हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। अब उनका थैंक यू करना चाहेंगे, आपकी ही वजह से हम यहाँ पे। क्या यार आप कब सीरियस हो कब मजाक कर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपका कोई प्रोडक्ट डेमो है? यस सर, क्रेडमेट यूज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये रामलाल जी का फोन है और दाईं तरफ सेठ जी का फोन है। तो सेठ जी हैं आजकल बहुत एडवांस, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। वो कहते मैं तो एडवांस तरीके से ही वायदा लूंगा। तो रामलाल जी सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी पे जाके वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 10,000 रुपए आपको इस समय और इस तारीख को वापस करूंगा। तो वो एक रिक्वेस्ट ऐसे एक सेंड करेगा सेठ जी को। अब सेठ जी बहुत एडवांस हैं, सेठ जी के फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, तो वो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। उसके बाद सेठ जी के पास
जैसे एक सोना और प्रॉपर्टी के कागज होते हैं वैसे एक ओटीपी होगा। वो रामलाल जी को तभी देंगे जब वो एक हाथ से पैसे वापस करेंगे। तो रामलाल जी समय से पहले आएंगे, उनको पैसे वापस करेंगे और बोलेंगे सेठ जी मेरा ओटीपी दे दो। तो वो रामलाल जी जाके वो ओटीपी अपने फ़ोन में जहाँ पे वो क्रेडिट रिक्वेस्ट थी उस पर जाके वो ओटीपी एंटर करेंगे तो वो उनका क्रेडिट ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए रामलाल जी अपना ओटीपी समय दिए हुए से पहले ही डाल देते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, रामलाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो ऑन टाइम आना शुरू हो जाएगा कि रामलाल जी ने एक बार किसी के पैसे वापस दिए हुए हैं। अगर रामलाल जी बोल देते हैं मैं 2-3 दिन बाद वापस करूंगा तो वो रीशेड्यूल वाले बिहेवियर में आना शुरू हो जाएंगे। अगर रामलाल जी उनके पैसे खा जाते हैं पर उनके 2 साल बाद बच्चे याद दिलाते हैं कि डैडी आप डिफॉल्टर हो तो रामलाल जी जाएंगे उनके पैसे वापस देंगे, ओटीपी लेंगे और डिलेड एंड सेटल में आ जाएंगे। पर रामलाल जी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट में अब खाना खाना चाहते हैं, पैसे वापस नहीं करना चाहते, तो वो डिफॉल्टेड में आ जाएंगे। और हमने इसमें मजे के लिए एक टाइमलाइन बनाया है जिसमें हम डेली डिफॉल्टर्स अपडेट करते हैं। जरूरी नहीं है क्रेडिट वही यूज करेगा रामलाल जी या सेठ जी, आपके मोहल्ले में कौन लेटेस्ट डिफॉल्टर है आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं। गौरव एंड गौरव, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, आप किसी के बारे में ऐसा स्कोर डाल के कहीं डाल नहीं सकते। जो आप सिविल की बात कर रहे हैं वो बाकायदा लाइसेंस मिलकर रेटिंग एजेंसी बनाई जाती है और इसीलिए दुनिया में बहुत कम रेटिंग एजेंसी है, वो हेविली रेगुलेटेड है। तो क्या माजरा है समझाइए ठीक से। सर अभी हम ना कोई वॉलेट हैं ना कोई पेमेंट ट्रांसफर ऐप के बीच में से कर रहे हैं, तो अभी हम आरबीआई के दायरे में नहीं आते हैं। कभी भी मनी मैटर्स होते हैं ना तो आरबीआई घुसता है, चाहे अभी घुसे या बाद में आए, एंड इट इज गुड टू बी गवर्न्ड राइट, बिकॉज पैसों का लेन देन हो रही है। सर अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हैं कि मैंने तेरे से 10 करोड़ रुपए लेने हैं तो वो आरबीआई की रेगुलेटरीज की तरफ नहीं आती, ये भी एक चैट बॉक्स की तरह ही आप मान लीजिए। सिर्फ आप इस पे अमाउंट लिख के भेज रहे हैं, इसमें लेंडिंग और बोरोइंग कुछ भी नहीं, ऐसा कि पैसा इसमें से जा रहा है। कैसे पैसे बनाते हैं? अभी हम फिलहाल केवाईसी के चार्जेस ले रहे हैं, हमारे 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पे केवाईसी वेरीफाई किया है, उसके हम 50 रुपए चार्ज करते हैं जिसकी कॉस्टिंग आती है 5 रुपए। तो हमने इसी जनवरी से अपना रेवेन्यू स्टार्ट किया था, अब तक हमने 12 लाख रुपए जनरेट किया। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 1,30,000। तो आगे चल के भी केवाईसी से ही पैसे बनेंगे? कैसे पैसे बनेंगे? नहीं नहीं, आने वाले टाइम में तो हम पहले कैश बर्न मॉडल पे जाएंगे, जब तक 10 मिलियन। कैश बर्न मॉडल वो क्या होता है? अभी हम जो प्रॉफिट भी आएगा या कुछ भी हमें फंडिंग आता है अभी हमें यूजर क्रिएट करने में ही लगाएंगे, यूजर को रिटेन करने में लगाएंगे, ताकि जो ट्रेडर है जो दिन में 20 बार उधार दे रहा है उसको एक एडिक्शन हो जाए। अब उसके बीच में हम एडवर्टीजमेंट से भी पैसे लेने शुरू हो जाएंगे कि बैंक एडवर्टीजमेंट करेगा रामलाल जी को जब वो सेठ जी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि रामलाल जी सेठ जी से पैसे मत लो, हम इससे भी कम ब्याज दर पे आपको पैसे देंगे। तो ये भी सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल होगा। इट्स द राइट अप्रोच। कोई कोई कंपनीज होती है जो नेटवर्क इफेक्ट्स पे बनती है, आपका बिजनेस ही पूरा नेटवर्क इफेक्ट्स पे बनेगा। जी सर। जितनी लेंडर्स होंगे, जितने बोरोज होंगे, जितना यूसेज होगा उतना ज्यादा नेटवर्क बढ़ेगा। यस सर। 2.75 लाख में से कितने लेंडर्स हैं? आप क्लैरिफाई कर दीजिए उनके लिए। 2.75 लाख आपके एक्टिव यूजर नहीं है, आपने शुरू से लेके आज तक जो भी रजिस्टर करवाए वो है, उनको पहले सही आंकड़ा बताइए पिछले महीने कितने एक्टिव यूजर्स हैं, फिर उनके सवाल का जवाब। जो अभी तक हमने एडमिन पैनल बनाया उसमें टोटल ट्रांजैक्शंस आती हैं या टोटल अराउंड कितने डिफॉल्ट। लेकिन आपके पास प्रोफाइल तो होगा कि ये जो 2.75 लाख रजिस्टर्ड है अब वो आपके प्लेटफॉर्म पे बोरो करने आए हैं कि लेंड करने आए हैं? अभी वो एक यूजर ही है, अभी हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो बोरोवर है या लेंडर, क्योंकि हमने ये फीचर ही नहीं रखा। टोटल अभी कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं पर डे? पर डे नहीं सर, अभी हमने एडमिन पैनल किया, अभी तक 1,17,000 हमारी टोटल ट्रांजैक्शन है। पर अभी ये नहीं पता रोज कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। सर जो हमारे पास एक बेसिक एडमिन पैनल जो गूगल फ्लटर देता है। अरे यार फिर भी आप बिजनेस कर रहे हैं। पिछले महीने का बता दो यार। सर अभी एडमिन पैनल उस लेवल का क्रिएट ही नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं सर। तो यहाँ कैसे आ गए यार आप, क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है अभी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, रेगुलेशन में भी जाना पड़ेगा, शायद रेगुलेशन में मुझे लगता है निकल जाए, पर उसके बाद भी आपको अभी अपने एक्टिव यूजर्स नहीं पता, डेली कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नहीं पता है,
मुझे ये भी लगता है कैश ट्रांजैक्शन वाले इसको यूज नहीं करेंगे, दे वो पर्ची पे ही काम करेंगे, तो इसलिए मैं बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है आपको अपने बिजनेस का मजबूत खिलाड़ी बनना चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा फीका लगा यहाँ पे, तो मैं भी आऊंगा। आपका विजन क्या है वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। जैसे हर बिजनेस टू बिजनेस जो उधार जाता है उसके लिए MSME समाधान बने। बिल्कुल। तो 1,30,000 लोगों ने उस पे केस फाइल किए, तो MSME समाधान भी सिर्फ 12,000 ही केस सॉल्व कर पाए, और जो एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक फैक्ट्री वाला है वो आज भी रीडिफॉल्ट टू रीडिफॉल्ट कर रहा है। तो हम एक चैनल को एक ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं जिसको MSME समाधान ने बनाने की कोशिश की थी पर वो असफल रहे। तो आप लाइक एक कंप्लायंस ऑफिसर यस जैसे हो गए, और उसके लिए आपको यूजर बेस इकट्ठा करना है, फिर थ्रू सर्विस फीस और एड रेवेन्यू पैसे बनाने हैं, वो आपका विजन है? पैसा बनाना हमारा विजन नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल क्या होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तो एक इनोवेटर्स हैं या एक इन्वेंटर्स हैं। हमने KYC भी इसलिए किया क्योंकि हमारा कैश बहुत ज्यादा लग चुका था, तो हमने एक अपने पीक पॉइंट पे आके KYC शुरू किया, उसके बाद वो रेवेन्यू से हमने अपने मेंटेनेंस चालू रखी। आखिरी सवाल आपसे पूछना है, आपने इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, पर्सनल मनी, डेट? 30 लाख रुपीज, नो डेट, 30 लाख रुपीज। और हमने टेक, मेनली टेक बिल्ड करने में गया है। अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया है, आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, तो ये बिजनेस को मैं प्री रेवेन्यू ही नहीं, इनफैक्ट प्रोटोटाइप स्टेज का कहूंगी। हम अपना बिजनेस चलाते हैं, हम इस लेवल तक आपका हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये वाला जो बिजनेस है, ट्रेड का क्रेडिट को फैसिलिटेट करना और मैनेज करना, इम्प्रूव करना, इसको सॉल्व करना एक काफी डिफरेंट अप्रोच है। मुझे लगता है उसमें आपको API इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कंपनीज के ERP से, जिससे सीधा बिलिंग होते टाइम ही एक इंटीग्रेशन हो जाए, एंड यू नो जब वो OTP देके अपना सेटल करते हैं तब उनका डिफॉल्ट से नाम लेके, तो ये एक B2B टेक SaaS बिजनेस की तरह मुझे लगता है पोटेंशियल इसका काफी है, तो इसमें मैं अभी आपके साथ नहीं जोड़ पाऊंगी, तो आज मैं इससे आउट हूँ। पर हैविंग सेड दैट, लुधियाना में बैठ के आपने इतना अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है, आई होप यू डू वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ ही नहीं है भाई। प्रॉब्लम को हमने ग्राउंड रियलिटी से जाना और पहचाना। जहाँ तक डैशबोर्ड और एनालिसिस की बात रही, कंज्यूमर क्यों नहीं यूज कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम फंडिंग रेज करने आए थे सर, कि हम कुछ हिस्सा कुछ एक्सपर्ट CTOs के साथ हम अपना डैशबोर्ड। देखिए, एक आपकी खासियत कहता हूँ मैं, आप ऑनेस्ट हैं और आप में एक मासूमियत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो एक्सेप्शनलिज्म जो होता है जिसके ऊपर हम बेट लगा सकें एज एन इन्वेस्टर, वो बाहर नहीं आता। थोड़ा जाइए, फिर से सोचिए और पैसे मत लगाइए, मैं यही एडवाइस दूंगा, और इस रीजन से मैं आउट होना चाहूंगा। सर, हम लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कहिए। बहुत स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं इस देश में, क्योंकि पहले लोग कहते थे आइडिया लेकर आओ हम आगे लेके जाएंगे, फिर लोग कहते प्रोटोटाइप लेके आओ फिर हम आगे लेके जाएंगे, फिर लोग कहते कि आप यूजर्स लेके आओ फिर हम लेके जाएंगे, फिर लोग बोले कुछ तो रेवेन्यू लेके जाओ फिर आगे लेके जाएंगे। आज पहुंचे हैं तो आप कह रहे हैं एक और डिटेल लेके। हमें आपकी सपोर्ट इसलिए चाहिए, एक रेवोल्यूशन की तरफ की हो सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके बिना हम भी संभव नहीं है। हमने ऐसे फाउंडर्स में भी इन्वेस्ट किया है जो प्री रेवेन्यू है, बट उनमें जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि हम ये करेंगे, ऐसे रेवेन्यू लाएंगे, ऐसे प्रॉफिटेबल बनेंगे, वो देख के हमने प्री रेवेन्यू में किया है। आप थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग लाइए, फिर ही लोग आपको आगे लेके जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक गौरव, बेस्ट ऑफ लक गौरव, या थैंक यू।